लेकर आगे चलेगा। अगर कोई कश्मीर सेंटर्ड अपना बयानिया दुनिया के सामने रखने की कोशिश करेगा तो बिला तफरीक पार्टी, बिला तफरीक नजरिया, इस रियासत के लोग इसके पीछे खड़े होंगे। और इसका अमली मुजाहरा आज भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस धरने ने इस तफरीक को मिटाया कि नजरिया किसका, पार्टी किसकी। और इस धरने ने प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक आम शहरी तक, बच्चों तक, इस बयानिये को मजबूत किया कि हम आजादी चाहते हैं, हम हक़ खुदरादियत चाहते हैं, हम अपने मसले का हल चाहते हैं और हम इस मनहूस खूनी लकीर का खात्मा चाहते हैं। और उस पार जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, जो 72 दिनों से जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है, उसके खिलाफ जो यहाँ के अवाम ने जिस यकजहती का मुजाहरा किया, जिस पे मिसाल पैगाम को सीज फायर लाइन के ऊपर भेजा, उस पर जहाँ हम यहाँ के अवाम के शुक्रगुजार हैं, वहाँ पर अपने प्राइम मिनिस्टर के भी शुक्रगुजार हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की तरफ से हम ये क्रेडिट उनको देना चाहते हैं कि इंतहाई प्रेशर के बावजूद, शदीद दबाव के बावजूद, उन्होंने इस धरती के इज्जत और वकार पर हर्फ नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी जात पर बहुत सारे जख्म के सहे, अपने सीने पर तीर खाए, लेकिन उन्होंने आपका और हमारा मान जो है वो ऊंचा रखने में हर जगह वो किया। और हम इनसे कहना चाहते हैं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं जनाबे वजीर आजम, कि ये धरती जो है जिसका आपने भी इजहार किया और बहुत सारे और लोगों ने भी इजहार किया कि 4 अक्टूबर 1947 को और फिर 24 अक्टूबर 1947 को जिस नुमाइंदा हुकूमत का क्याम अमल में लाया गया था, उस नुमाइंदा हुकूमत के लिए सारे लोग उसके क्याम के लिए, उसके उसको मजबूत बनाने के लिए आपकी पुश्त पर खड़े हैं। लिबरेशन फ्रंट ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, ना आप लोगों ने हमें इलेक्शन लड़ने दिया। आपने तो हमारे लिए एक शिक रखी हुई है कि जी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हमारा फिर भी आपसे शिकवा नहीं है, खत्म करेंगे तो हम आपको तब भी जो है वो अपना बड़ा मानेंगे, नहीं खत्म करेंगे तब भी अपना बड़ा मानते हैं। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये वक्त अब मुतालबात का नहीं है। ये मुतालबा जो हम कर रहे हैं, पता नहीं किससे कर रहे हैं, कि हमारी हुकूमत को बाइख्तियार बनाया जाए, तस्लीम किया जाए। आप हुकूमत को ये कदम खुद लेना है, आप बाइख्तियार हैं। इस धरने ने पूरी दुनिया के अंदर अपना मैंडेट, कश्मीरियों की आवाज, कश्मीरियों का नैरेटिव पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाया है और उसमें आपका भी हिस्सा है। आप हाल ही में बैरून मुल्क कश्मीरी डायस्पोरा से मिलकर आए हैं, आपने वहां भी सेंटीमेंट देखे हैं, आपने यहां भी सेंटीमेंट देखा है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, इक्तदार अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इस वक्त ये जो कौम जिस मसले का शिकार हो गई है, हमारा मुकदमा खत्म हो रहा है, हमारा तनाजा खत्म हो रहा है। उस जालिम और जाबर गुजरात के कसाई ने रियासत के एक बड़े हिस्से को हिंदुस्तान में जम कर दिया है। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि इमरान खान की तकरीरें सुने, अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब हमारे पास वक्त नहीं है कि हम मददगारों को या किसी मोहम्मद बिन कासम को जो इस्लामाबाद से आएगा हम उसको पुकारते रहें। अब ये मुकदमा आपने लड़ना है, इन बच्चों ने लड़ना है, हमने लड़ना है और हम आपको पूरा मैंडेट देते हैं। हमारी तरफ से आपकी हुकूमत बाइख्तियार है, हमारी तरफ से आपकी हुकूमत नुमाइंदा है, पूरी रियासत की तरफ से आपकी हुकूमत नुमाइंदा है। सिर्फ आपको वो किरदार अदा करना है। आपने कई दफा कहा कि मुझे मेरी नानी ख्वाब में आई और उन्होंने कहा कि वो सब्ज पगड़ी पहनकर आ रहा है। वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है। वो वक्त आ गया है कि आप लीड करें, सारी क्यादत को एक पेज पर लाएं, सारे लोगों को एक पेज पर लाएं और इनको उस दिन की तरफ लेके जाएं जिस दिन का वादा गुज़श्ता 72 सालों से हमारे अकाबरीन ने, हमारी सियासी जमातों ने अपने बयानात के जरिए, अपने जलसों के जरिए हर रोज किया कि हम आजादी लेंगे, हम आजादी लेंगे। ये वक्त है आजादी का। अगर कौम को अब भी मायूसियों के अंधेरों में धकेल दिया गया, अगर कौम की आवाज पर अब भी रहनुमाओं ने खड़ा होने की कोशिश न की, तो कौम तो शायद माफ कर भी दे लेकिन तारीख कभी माफ नहीं करेगी, शोहदा कभी माफ नहीं करेंगे, उस पार की माए बहने बेटियां कभी माफ नहीं करेंगी।
मैं एक दफा फिर इस वादी के लोगों का आपकी वसादत से, चूंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं और आपका, आपके खानदान का इस जमात के साथ भी एक ताल्लुक है, शोहदा के साथ भी एक ताल्लुक है, डिवाइडेड फैमिली के साथ भी एक ताल्लुक है, ये एजाज शायद आपको हासिल है या हमारे कायद अमानुल्लाह खान को हासिल था कि वो पैदा गिलगित में हुए थे, वो पले पड़े श्रीनगर में थे और फिर उन्होंने जदोजहद जो है वो यहाँ आकर की। तो ये एजाज कुदरत ने आपको दिया है, आपकी वसादत से इस जेलम वैली ने जो दीदा और दिल फर्श रा किए, हमारे लिए दरवाजे खुले रखे, हमारे लिए खाने का इंतजाम किया, हमारे लिए पानी का इंतजाम किया, बैठने का इंतजाम किया, अल्लाह पाक की कसम है हम इनका शुक्रिया अदा करने के काबिल नहीं है, हम इस पोजीशन में नहीं है। जब इनका शुक्रिया अदा करते हैं तो ये आगे से रोने लगते हैं, कहते हैं ये हमारा फर्ज है, आप हमारे लिए आए हैं। तो मैं एक दफा फिर पूरी मुजफ्फराबाद डिवीजन के मुकला का, टीचर्स का, मुख्तलिफ मुलाजमीन की एसोसिएशन का, शहरियों का, खवातीन का, बच्चों का, बुजुर्गों का, तमाम जमातों का, पीपल्स पार्टी का बिलखसूस मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने, पीएसएफ ने, पीवाईओ ने, उनकी लीडरशिप ने पहले दिन से लेके आज तक इस धरने में जिस तरह हमें सपोर्ट किया, हमें ये लग रहा था कि ये भी जेकेएलएफ का इनके ही लोग हैं, उनका कारवां है। इसके अलावा जमात इस्लामी के लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने, मुस्लिम लीग नून के जोमा ने, ताजरों ने, अंजमन ताजरा और सिविल सोसाइटी यहाँ की जितनी है सब ने, और तलबा तंजीमों ने जिस जिस जो है वो उसका किरदार अदा किया, उनको मुबारकबाद। और बिलखसूस हम एक अरसे से ये मुतालबा करते आ रहे थे कि रियासत के हर फर्द का, चाहे वो जिस भी शोबे से हो, उसका अपना किरदार वहाँ बनता है, वो अदा करे। वल्ला बिल्ला मैं अल्फन आपको कहता हूँ कि यहाँ के सहाफियों ने जिस तरह इस पैगाम को दुनिया भर तक पहुँचाने में मुमकिन बनाया, नाम लूंगा तो एक तवील फहरिस्त है, तमाम सीनियर्स जूनियर्स यहाँ के मकामी चिनारी के साथियों ने जिस तरह जो है वो इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाया, और ये कश्मीरी नैरेटिव जिस तरह दुनिया तक गया, और आज जिस तरह आपने यूनाइटेड नेशन के साथ हमारे साथ चलकर कश्मीरी कौम का मान बढ़ाया और इसको फैसिलिटेट किया, हम आप सबके शुक्र गुजार हैं। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको आजादी की तरफ ले जाए, और उस पार जो हमारे बहन भाई हैं उन बहन भाइयों की मदद करने की हमें तौफीक अता फरमाए, और इस मनहूस खूनी लकीर को इंशाअल्लाह ताला, ये एक धरना नहीं है, ये एक तहरीक है। हमने 6 महीने का टाइम दिया है यूनाइटेड नेशंस को, अगर उन्होंने कोई अप्रोप्रिएट एक्शन ना लिया तो हम दोबारा वजीर आजम की क्यादत में, इन्होंने खुद उनको कहा, वजीर आजम ने कहा यूनाइटेड नेशन को, इन्होंने कहा कि मैं लीड करूंगा आपकी बार, और कोई ताकत जो है वो हमें रोक नहीं सकेगी। प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है, समंदर से कोई बादल अब हमको खींच लाना है, फकत पैरा नहीं देना हमें तारीख गलियों में, हमें सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है, हमारे जंगजू जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते कि हमने फाख्ताओं को काबू से लड़ाना है। बहुत शुक्रिया।